गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर ग्रामर बुक, दैट इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। इस चैप्टर में हम एडजेक्टिव की डिग्रीज का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो होता है वो ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग के साथ कुछ ऐड कर देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रवि इज अ टॉल बॉय। अब देखो यहाँ पे मैंने रवि के बारे में बताया कि रवि जो है वो टॉल बॉय है। मैंने क्या ऐड कर दिया है यहाँ पे, टॉल, कि रवि जो है वो टॉल बॉय है। यहाँ पे सिंपल में बोल सकती थी कि रवि जो है वो एक लड़का है, बट मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, जो रवि है वो क्या है, एक टॉल बॉय है। तो जो ये हमारा टॉल बॉय है ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, नाउ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है 3 degrees ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। इसको हम इसकी एडजेक्टिव की 3 degrees होती है। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिव डिग्री, नेक्स्ट वन इज सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट वन पॉजिटिव डिग्री, वेयर देयर इज नो कंपैरिजन। देखो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, जहाँ पे एडजेक्टिव की डिग्री में कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे कि हरी इज अ टॉल बॉय, अब देखो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पे मैं सिंपल सा ये बोल रही हूँ कि हरी जो है वो टॉल बॉय है। जो हमारा ये टॉल होगा वो कौन सी डिग्री मानी जाएगी, अब पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट वन कंपैरेटिव डिग्री, व्हेन देयर इज कंपैरिजन बिटवीन टू। देखो जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम कब करते हैं, जब जो कंपैरिजन होता है वो टू थिंग्स के बीच में या टू वस्तुओं के बीच में या टू पर्सन के बीच में हम जब कंपैरिजन करते हैं उनकी क्वालिटी को लेके। फॉर एग्जाम्पल,